अमित भाई, आपने झारखंड की एक सभा में कहा कि 4 महीने में राम मंदिर बनेगा की शुरुआत हो जाएगी। क्या ट्रस्ट का काम, मैंने नहीं ट्रस्ट का काम कहा, शुरू हो पहले गया है? पहले मैं आपको थोड़ा सुधार कर दूं। मैंने जी नहीं कहा है, देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 3 महीने में काम समाप्त करिए, तो मैंने 3 की जगह 4 कहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सार्वजनिक है, पूरी दुनिया जानती है कि 3 महीने में ट्रस्ट बना देना पड़ेगा। तो कुछ काम होमवर्क हुआ है, क्योंकि 1 महीना का चल रहा वक्त है, रह अभी गया है। चल रहा है। तो ट्रस्ट में कौन लोग होंगे, उसी जगह जो आंदोलन से जुड़े हुए थे, या ऐसे लोग भी होंगे जो हिंदू नहीं है? देखिए, हम सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उसमें से जो नाम उभर कर आएंगे इस पर निर्णय करेंगे, और जैसे ही निर्णय हो जाएगा उसको सार्वजनिक कर देंगे। तो कब तक घोषणा होगी? जनवरी में, फरवरी फर्स्ट वीक में, नौ पार्लियामेंट नौ में? 9 फरवरी के पहले, क्योंकि 9 फरवरी को 90 दिन समाप्त हो रहे हैं। हाँ, इस बीच आपको लगता है कि कोई क्यूरेटिव पिटीशन भी आ सकती है सुप्रीम कोर्ट में? आ गई, रिजेक्ट भी हो गई, हाँ, उसके बाद? उसके बाद अब कुछ नहीं। तो फिर अब इंतजार क्यों कर रहे हैं 9 फरवरी नहीं, तक का? इंतजार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन का समय दिया है, और उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको चर्चा कर कर करना है, तो प्रक्रिया चल रही है। किन से चर्चा कर रहे हैं आप? यूपी सरकार है, जिन लोगों के बीच में मुकदमा था उन लोगों के बीच में सबसे बातचीत करना है। तो जो राम मंदिर का मॉडल रखा हुआ है, क्या वैसा ही राम मंदिर बनेगा, या वो वैसा ही आप चाहें? ट्रस्ट को तय करना है, भारत सरकार को नहीं करना है। हम जो ट्रस्ट बनाएंगे वो ट्रस्ट स्वतंत्र होगा, मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य उसमें मेंबर नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा तो सरकार से भी कोई नहीं होगा, मतलब पॉलिटिकल व्यक्ति। और जो ट्रस्ट बनेगा वो ट्रस्ट को आगे की सारी प्रक्रियाएं करनी है। पर आपने ट्रस्ट को एक इशारा तो दे ही दिया है कि मंदिर जो है वो भव्य बनेगा, आसमान छुएगा, नहीं तो ये तो मतलब। मैं मानता हूं कि भव्य ही बनना चाहिए, और देश की सारी जनता मानती है कि वहां एक भव्य राम मंदिर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं।